भजन संहिता अध्याय दो। भजन संहिता अध्याय दो। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं? यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंधनों को तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध करके बातें करेगा और क्रोध में आकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। मैं उसके वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनाने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी की नाइयों यह उपदेश ग्रहण करो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो, पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है।